हमने अपना आयरन बॉक्स साथ में उठा लिया। इतना बड़ा मौसमी रेलवे प्लेटफॉर्म, इसका मतलब यहाँ पे ट्रेन चलेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं एक ट्रिप पर, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, स्मायरा को छुट्टी है, स्मायरा के पापा फ्री हैं, और हमने रात को ही डिसाइड किया कि सुबह कहीं चलते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा। आधे पौने घंटे में हमने पैकिंग फिनिश की, इवन हमारे कपड़े जो हैं वो भी आयरन नहीं हुए। हमने अपना आयरन बॉक्स साथ में उठा लिया कि होटल में जाकर आयरन कर लेंगे। और हम जा रहे हैं चिकमगलुरु, जो कि कर्नाटका में ही है, और आज की जर्नी है 5 घंटे की, 250 किलोमीटर है बैंगलोर से। सुबह के 8 बज गए हैं, हम जल्दी निकले हैं क्योंकि ट्रैफिक हो जाता है और वीकेंड है। वीकेंड पे तो हर किसी को बाहर जाना होता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। वहाँ पे क्या स्पेशल है हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमारा भी फर्स्ट ट्रिप है चिकमगलुरु का। हम लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे थे वहाँ पे, कब जाएंगे, और फाइनली लॉन्ग वीकेंड आया और हम लोग निकल चुके हैं। आप हमारे आज के व्लॉग को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। नाइन थर्टी हो गए हैं और 1.5 आवर की जर्नी फाइनली कंप्लीट हो गई है। अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो चलो चलते हैं अंदर, ब्रेकफास्ट करते हैं। ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, इडली वड़ा, और स्मायरा अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही है। फाइनली साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, स्मायरा का ऑल टाइम फेवरेट, और चाय भी आ गई है। स्मायरा के पापा की चाय है, ये मेरी चाय है। स्मायरा अपनी मूवी एंजॉय कर रही है और स्मायरा के पापा को लग रही है गर्मी बहुत ज्यादा यहाँ पे। और हमें देखो क्या दिखा, लेमन सोडा, फ्रूट जूस, ये सब अवेलेबल है यहाँ पे। कुकुम्बर सैलेड भी है। स्मायरा आपको खाना है? हाँ खाऊंगी मैं, मुझे लगा आपको सुनाई नहीं दे रहा, हेडफोन लगा रखे हैं और एकदम से आवाज आ गई, खाऊंगी मैं, छोड़ूंगी थोड़ी ना, खाऊंगी। चलो वहाँ चलते हैं और लाइम जूस पीते हैं, साथ में स्मायरा के लिए कुकुम्बर सैलड लेकर आते हैं। यहाँ पे फ्रूट्स भी हैं, फ्रूट्स खाने हैं क्या आपको? फ्रूट्स ले लेंगे, वो है वाटरमेलन है और पाइनएप्पल है। वो सोडा तैयार हो गया। कैसा टेस्ट है? अच्छा है, मसालेदार मसालेदार। मुझे तो स्पाइसी लग रहा है देखने नहीं, में नहीं। स्मायरा के लिए कुकुम्बर सैलेड हमने ले लिया है और स्मायरा अभी भी मूवी में बिजी है। ये लो सैलेड, थैंक यू। मूवी भी एंजॉय करो और सैलेड भी खाओ साथ साथ। ओके हम होटल रूम में पहुंच चुके हैं और आते ही देखो ये बाप बेटी रेस्ट कर रहे हैं। देखो इनको नींद इतनी प्यारी है ना, मैं भी आपके साथ ही आई थी ना, सुबह आपसे पहले उठी थी, रात को आपसे लेट सोई थी। उठो, सोने आए दोनों? 10 मिनट सोने तो जल्दी उठे थे। और इतनी देर ड्राइविंग कर रही है, पापा का तो मैं मान सकती हूँ, पापा ड्राइव करके आए थक गए हैं, और आप पूरे रास्ते इसने मूवी एंजॉय की है, गाने सुने हैं, आराम से पीछे बैठ के खाया पिया, मौज मस्ती की है। उठो चल रेडी हो जल्दी से, अभी लंच भी करना है। उठ जाती हूँ 10 मिनट फिर 10 मिनट उठ चल, एसी में नींद का मजा ही आएगा। हाँ देखो इतनी गर्मी थी यहाँ पे और आते ही इन्होंने एसी ऑन कर लिया है और ब्लैंकेट में आराम से सो गए हैं। मेरे हाथ ना ठंडे हो गए हैं। चलो फिर उठो, मैं एसी बंद करती हूँ, गर्म हो जाएंगे। पर जो फेमस प्लेसेस जहाँ हम जाएंगे ना वहाँ पर तभी हम कह सकते हैं ना, हाँ हम चिकमगलुरु गए थे। हाँ तो फिर उठो ना, आलस छोड़ो, रेडी हो जाओ, अभी लंच भी करना है। ठीक है चलो चलो, पापा जी आप भी उठो, फेस वॉश करो, नींद उड़ जाएगी। चलो आई एम रेडी। रेडी मुंह धो के आओ, रेडी। पहले हम लंच करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि आज हम कितने प्लेसेस कवर कर पाते हैं। होटल वाले भैया ने इतनी बड़ी लिस्ट दे दी है जिसके अंदर यहाँ के सारे फेमस प्लेसेस लिखे हुए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हर एक प्लेस पर हम जा पाएं, वहाँ की ब्यूटी को एंजॉय कर पाएं और आपको भी दिखा पाएं। तो पहले रुकते हैं कहीं और लंच करते हैं। कितना अच्छा व्यू है ना, देखो हिल्स है। बहुत अच्छा व्यू है, यहाँ पे लोगों के घर है, उनको कितना अच्छा लगता होगा ऐसा व्यू रोज देखते होंगे वो। सही बात है, और खास कर
करके सुबह सुबह तो यहाँ पर पूरी फॉग होती होगी। हाँ, लंच के लिए तो हमें कोई प्लेस मिला नहीं और रास्ते में हमें एक लेक दिख गई और वो लेक उस लिस्ट में भी मेंशन थी, तो हम वहाँ पे रुक गए हैं। पहले लेक व्यू को एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद कुछ खा लेंगे। तो चलो चलते हैं उस तरफ। स्मायरा मैगी। चलो स्मायरा को स्मायरा का फेवरेट फूड मिल ही जाता है जहाँ जाती है ना। स्मायरा भुट्टा भी है, नारियल पानी भी है, मैगी भी है। मैगी, चलो मैगी खाएगी ये तो। लाइम सोडा 20, लाइम सोडा, लाइम सोडा, लाइम सोडा। स्मायरा के पापा तो पी रहे हैं लाइम सोडा। जूस जूस जूस। अच्छा, आपको तो वैसे भी ये लाइम जूस वगैरह अच्छा लगता है ना। क्या ये मौसमी? इतना बड़ा मौसमी। मैगी रेडी हो गई है स्मायरा के लिए। गर्म बहुत ज्यादा है, ध्यान से खानी है। इतनी जल्दी ठंडी भी नहीं होगी ये। और पापा अपने लिए ले रहे हैं मिर्ची भाजी कड़वी वाली। ओह माय गॉड, कैसे खाएंगे पापा? खा लेंगे, पापा को अच्छी लगती है। ठीक है, आप ये खाओ। पापा के रिएक्शन। हाँ, देखेंगे पापा बोलेंगे ओह माय गॉड इतनी मिर्ची इतनी तीखी। ये रहा बनाना। रो बनाना की भाजी बनती है। मिर्ची वाला नहीं है क्या? मिर्ची वाला उधर है। अच्छा, आपको आलू वाला खाना है? आलू वाला भी खाना है, मिर्ची वाला भी खाना है। दोनों खाने लगी है। आपको भूख लगी है? लगी है, तभी दो दो प्लेट्स मांग रहे हैं। मिर्ची तो आपका रेडी हो गया है। रेडी हो गया है, अभी तो हो रहा है। हो गया ना, मिर्ची भाजी भी रेडी हो गई है, साथ में कैरेट और अनियन का सैलेड भी दिया है। वाह, चटनी समझ के गर्म है ध्यान से। मुझे पता है आपको भूख लगी है, पर मुंह नहीं जलाना है ना। ये आलू भाजी भी आ गई है, जिसको हम आलू के पकौड़े बोलते हैं, साउथ में आलू भाजी बोली जाती है। और ये मिर्ची इतनी गर्म है कि अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। और स्मायरा की मैगी उससे भी पहले आई थी, वो भी इतनी गर्म है, स्मायरा से खाई नहीं जा रही है। जब तक ये ठंडी होगी तब तक यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा मुझे लगता है। अभी हमने लेक व्यू को एंजॉय करना है। देखो वहाँ तक लोग चले गए हैं और हम अभी तक यहीं पर ही हैं, खाने में ही बिजी हैं हम लोग। लेट लतीफ़ हैं। हाँ, हर काम में। सुबह 6 बजे निकलना था। इतनी तीखी मिर्ची और यहाँ पे पीने वाला पानी भी अवेलेबल नहीं है, बॉटल्स नहीं मिली हमें, और हमारी बॉटल कार में है, इसीलिए नारियल पानी जिंदाबाद। सूरज देखिए ढलने ही वाला है, सूरज की किरणें आप देख सकते हैं, ढलते सूरज की कितना अच्छा व्यू है, सनसेट व्यू हम एंजॉय कर रहे हैं लेक पे। और एकदम फ्रेश वाटर है लेक का, और स्मायरा भी एंजॉय कर रही है। शाम का टाइम है, माहौल बहुत अच्छा हो गया है, ठंडी हवा चल रही है, दिन में बहुत गर्मी थी। क्यों स्मायरा? स्मायरा बोल रही थी बैंगलोर से भी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, लेकिन अब अच्छा लग रहा है ना। और उस तरफ फॉग होती जा रही है। हाँ, शाम को यहाँ पे मौसम ठंडा हो जाता है, सुना है हमने। हाँ, बाकी पता नहीं, हम नाइट स्टे करेंगे। डाली हुई है यहाँ पे। हाँ, जैकेट्स पहन कर आए हैं लोग। यहाँ के वेदर का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कर्नाटका है ना ये भी। कब बारिश हो जाए, कब गर्मी हो जाए, कुछ नहीं पता। राइट, चलो उस व्यू पॉइंट पे चलते हैं। स्मायरा, आपको कुछ दिखाई दे रहा है वहाँ पे? वो देखो वहाँ चलते हैं। हम व्यू पॉइंट के बिल्कुल पास में आ चुके हैं, लेकिन बैड लक कि ये रास्ता बंद किया हुआ है, क्योंकि वहाँ से पुली जो है वो थोड़ी टूट चुकी है और हमारी कर्नाटका गवर्नमेंट ने रिपेयर नहीं करवाया है। बट क्या कर सकते हैं, देखो दीवार भी खड़ी कर दी है। ये दीवार कब टूटेगी? ये अंबुजा सीमेंट से बनी हुई है। ये नहीं टूटेगी। आप वहां पर जा सकते हैं, लेकिन ये दीवार नहीं टूटेगी। थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। हाँ, यहाँ हम लोगों के भी फीडबैक ले लेते हैं। प्रो, टेल मी, इज दिस गुड और बैड? बैड थिंग, राइट? क्योंकि यहाँ पे एंट्री टिकट नहीं है, इसीलिए। हाँ, अगर यही एंट्री टिकट होती तो यहाँ शायद रिपेयर हो जाता। हाँ, फिर हमें एंट्री मिल जाती यहाँ। अब मतलब नहीं बनता है और आगे जाने का, क्योंकि सिर्फ लेक ही है, और जैसे यहाँ से दिखाई दे रही है वैसे ही वहाँ से दिखाई देगी। तो चलो किसी और प्लेस पर चलते हैं। स्मायरा, फिर कैसा लगा आपको सनसेट व्यू एंजॉय करके लेक पे? बहुत 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 अच्छा लगा, और वहाँ पर मेरी फेवरेट मैगी भी मिल गई। अच्छा, मैगी अच्छी लगी या व्यू अच्छा लगा? दोनों। और उस लेक का एक एडवांटेज था, एक डिसएडवांटेज था। एडवांटेज ये था कि वहाँ पे एंट्री टिकट नहीं थी। पहली बार मैंने कोई ऐसा प्लेस देखा है जहाँ पे फ्री एंट्री थी, नहीं तो जब भी हम किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ एंट्री टिकट तो होती ही होती है। और डिसएडवांटेज ये था कि वहाँ पे बोटिंग नहीं थी, क्योंकि लेक पर बोटिंग होती तो और भी अच्छा लगता इवनिंग के टाइम पे। बट उसका भी एक कारण है कि उस लेक का जो पानी था, आपने देखा कि
इतना साफ सुथरा था और ये पानी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा यहाँ के लोगों के घरों में भिजवाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे बोटिंग अलाउड नहीं है। और एक वो जो व्यू पॉइंट था वहाँ पे थोड़ा टूटा हुआ था। मानते हैं कि ये चीजें टूट जाती हैं, बहुत से लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट को ये सब चीजें रिपेयर करवानी चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि हमारे लिए सारी फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल हो। टिकट भी रख सकते हैं वो 10-20 रुपीज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर एक टूरिस्ट प्लेस पर टिकट तो होती ही होती है। बाकी हमें बहुत अच्छा लगा, हमारी पेट पूजा भी हो गई। अब हम रास्ते में रुकेंगे, एक और प्लेस पर विजिट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या स्पेशल है। हम पहुंच गए हैं महात्मा गांधी पार्क में। ये है एंट्री गेट और वहां पे टिकट काउंटर है। 40-20 रुपीज टिकट है। महात्मा गांधी पार्क का नाम है तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा स्टैचू है। स्मायरा, इस पे कन्नड़ा में कुछ लिखा है, आप बताओ क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। हाँ जी, सत्यमेव जयते, क्योंकि गांधी जी हमेशा यही बोलते थे ना। चलो अंदर चलते हैं और क्या क्या है देखते हैं। ये है रेलवे प्लेटफॉर्म, इसका मतलब यहाँ पे ट्रेन चलेगी। पंजाब नहीं जाएगी ट्रेन, क्योंकि ये टॉय ट्रेन है। चलो चलो चलो, इधर इधर। टिकट लेनी पड़ेगी ट्रेन की अलग से। और वेटिंग है, देखो पापा भाग गए, देखो 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 गेट गेट बंद कर दिया। वो देखो ट्रेन आती हुई। स्मायरा इंतजार कर रही है कि स्मायरा की टर्न कब आएगी। अभी तो हम बहुत लेट से आए हैं ना, जो पहले क्यू में लगे हुए हैं उनकी टर्न आएगी। सच में दो ही डब्बे हैं और लोग इतने सारे हैं ट्रेन राइड के लिए। अरे पहले वालों को निकलने तो दो। ट्रेन का नाम है रत्नागिरी एक्सप्रेस। धक्का मुक्की मार के हमने अपनी जगह बना ली है। ट्रेन चल पड़ी है। कितना अंधेरा हो गया, देखो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है हमें अंधेरे में। एकदम लाइट बंद हुई, जान निकल गई सबकी। वापिस भी आ गए, पता ही नहीं चला। एक और राउंड है क्या? यहाँ पे कुछ स्टेप्स बने हुए हैं उस तरफ जाने के लिए। वहाँ पे एक ट्री हाउस है और म्यूजिकल फाउंटेन शो है। हम जाकर देखते हैं कहीं बंद ना हो गया हो, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए लेक से निकलते निकलते, और ये पार्क जो है वो दूर भी था। डिनर करने के लिए, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। शाम को भी हमने मैगी और वो पकोड़े से खाकर गुजारा कर लिया, क्योंकि खाना हमें मिला नहीं। अभी हम डिनर के लिए आ गए हैं और स्मायरा ने अपने लिए क्या ऑर्डर किया है और हमने अपने लिए क्या ऑर्डर किया है आपको दिखाते हैं। खाना टेबल पर आ चुका है। स्मायरा की ऑल टाइम फेवरेट घी राइस, ये है मक्खन वाला पनीर, दाल मखनी और बटर नान। पापा खाना सर्व करते हुए और सबसे पहले स्मायरा को, अपनी बेटी को, देखो देखो घी राइस साथ में दाल मखनी। अब देखो वो क्या कर रही है, वो पापा की थाली में सर्व करेगी।
चलो जल्दी से खाना खाते हैं। डिनर हमने कर लिया है और हम निकल चुके हैं अपने होटल में जाने के लिए। बहुत टायर्ड हो गए हैं क्योंकि सुबह से निकले हुए थे बैंगलोर से, और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। कल नए प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं फिर कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।